नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों पर। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसान बिल के आने से खेती में लूट होगी और किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को सपा विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाएगी। वहीं वैक्सीन पर उन्होंने कहा है कि सरकार केवल झूठ बोल रही है, आधी अधूरी तैयारी के साथ वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। मेरठ में गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं से मजदूरी कराई जाती है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं आगरा में डकैती डालने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा पिस्टल जब्त की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। और वहीं कासगंज में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आकर एक भैंस घायल हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिसके चलते लंबा जाम भी लग गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया है। कार्रवाई की बात कही। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने चार बदमाशों को दबोच लिया, जबकि मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाशों ने चार दिन पूर्व बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से दंपत्ति से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। और वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भारी मात्रा में खेतों में पड़े मिले मिस इंडिया नामक शराब के पौए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इसी ब्रांड की शराब से जीतगढ़ी में हुई थी 6 लोगों की मौत। ललितपुर में बदमाशों ने हर्ष फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कानपुर के एक खेत में अजला शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की है। सीतापुर में इलाज में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि डिलीवरी होनी थी, जिसके लिए बिस्वा के स्वास्थ्य केंद्र आए थे। मासूम का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद महिला की तबीयत खराब होती चली गई, लेकिन डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया। अलीगढ़ के जेडी आयुर्वेदिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल कर्मी शव को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाना घेर लिया, जिसके बाद विधायक दलवीर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से मामले की शिकायत की। फिलहाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।